हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। भयंकर प्रहार करने वाले हैं, सावधान। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह,
कर रहे हो तुम अर्जुन, अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो। ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं, अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो। तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए, लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता, मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। हां, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? केशव, केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव। रुक जाओ माधव। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है, इसलिए विवश होकर मैंने यह सुदर्शन चक्र धारण किया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो, बस एक अवसर और दो, मेरा विश्वास करो। मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अब मैं डटकर युद्ध करूंगा। मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मुझे क्षमा कर दो और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन?
वत्सल की जय हो प्रभु। प्रभु आपने मेरी लाज रख ली, इसलिए मुझे अपने चरण छूने दो। अरे नहीं पितामह, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। नहीं प्रभु नहीं, ये सब आपने मेरे लिए ही किया है। कोई जाने न जाने, परंतु मैं जानता हूं कि आपने अपने इस तुच्छ भक्त की बात रखने के लिए ही सुदर्शन धारण किया है। यह आप क्या कह रहे हैं पितामह? प्रभु मैं सच कह रहा हूं, जिस समय आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय मैंने भी बिना सोचे समझे जोश में आकर आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर आपको शस्त्र उठाने के लिए विवश करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु बाद में भूल समझ में आ गई कि मुझ जैसा तुच्छ भक्त तो क्या भगवान को कोई भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। परंतु आप तो भक्त वत्सल है ना, आपको तो यह कदापि स्वीकार नहीं था कि आपके भक्त की बात खा ली जाए। बस केवल एक बात का खेद रह गया। वो क्या पितामह? यही कि जब आपने सुदर्शन धारण किया तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है, अब मुझे आपके हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और खुशी के आवेश में मैंने मन ही मन अपनी गंगा माता को पुकार कर कहा कि हे गंगा मैया, देख तू कहती थी कि अपने भगवान कृष्ण को सामने रखकर मरना, मैं तो उन्हीं के हाथों मरने जा रहा हूं। परंतु अर्जुन तूने मुझसे मुक्ति का वो क्षण छीन लिया है, जा अपने रथ पर जा, जा। बातों को भूल जाओ पांचाली, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने मुझे सुदर्शन का प्रयोग करने से रोकते हुए यह प्रतिज्ञा की है कि अब वो डटकर युद्ध करेगा और कौरवों को परास्त करेगा। दूसरे दिन एक ओर अर्जुन ने दृढ़ संकल्प होकर युद्ध किया और कौरवों में हाहाकार मचा दिया, तो दूसरी ओर भीम ने कौरव सेना का भीषण संहार करना शुरू किया। भ्राताश्री जाओ और भीम से युद्ध करो,
और उसे यमलोक भेज दो। जाओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। जो आज्ञा भ्राता श्री। चलो की भांति चिंगारो मत, युद्ध करो हमारे साथ, युद्ध हमसे युद्ध करो भीम। आज हमारे बाण तुम्हें लोरी सुनाएंगे। न जाने किसने तुम चूहों को योद्धा होने के झूठे भ्रम में डाल दिया है, जो एक साथ मिलकर युद्ध करने आए हो। की हत्या हुई, उसी तरह हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो भांजी? सत्य कह रहा हूं बाबा श्री, सत्य। जो कौरवों में रहकर भी कौरवों में नहीं है वो पांडवों का है, जो इधर भी है और उधर भी, और जो ना पूरा उधर है ना पूरा इधर, इन सब नामों के ऊपर सबसे पहले पितामह भीष्म का नाम है। कौरव सेना का एक एक योद्धा इस सत्य को जान गया है। केवल आप इस भ्रम में है कि आपके षड्यंत्र को कोई नहीं जानता। यह आरोप है मुझ पर, झूठा आरोप। पद नहीं छोड़ सकते, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? केवल पांडवों का पक्षपात और कौरवों का विनाश। दुर्योधन मर गया आपके लिए, दुर्योधन, और सारे कौरव मर गए आपके लिए। लीजिए, लीजिए ये अपने हाथों में तलवार, और मेरा और सारे कौरवों का वध कर दीजिए। उन पांडवों के हाथों मरने से तो अच्छा है पितामह कि हम सब आपके हाथों मारे जाएं। कर दीजिए हम सब का वध। नहीं 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 दुर्योधन, अब मैं इस आरोप को और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे इस आरोप की दुर्गंध मेरे शरीर के रोम रोम से फूट रही है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व इस दुर्गंध से अपवित्र हो गया है, अपवित्र हो गया है। मैं इसे पवित्र करूंगा। मैं पांडवों के रक्त से अपने अस्तित्व को पवित्र करूंगा। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं। मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पांडवों का वध करूंगा और इस पृथ्वी लोक को निष्पांडव कर दूंगा, अन्यथा स्वयं अपने प्राण दे दूंगा। निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा, निष्पांडव कर दूंगा। कल युद्ध भूमि पर
इससे पहले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तुम में से किसी का वध करूं, अर्जुन मेरा वध करेगा और तुम सब उसकी सहायता करोगे। नहीं, तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि या तो मैं पांडवों का वध करूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। समस्या के भाव से एक स्त्री हमें निकाल सकती है। एक स्त्री निकाल सकती है, पर कैसे? इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं, और यही वो समय है अर्जुन जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम शिखंडिनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। युद्ध शुरू होते ही पितामह ने आक्रामक रूप धारण कर लिया है और वो अंधाधुंध बाण चला रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें अपने लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। हां पार्थ, उनकी आंखें केवल तुम्हारे रथ की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका शरीर तुम्हारे बाणों के स्वागत के लिए उत्सुक हो रहा है। जानता हूं केशव, आज वो कठिन घड़ी आ गई है जिसको मैं आज तक टालता आ रहा था। हे केशव, मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। दुशासन, महाराज शल्य, आज हमें अपने कल तय की हुई रणनीति के अनुसार अर्जुन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे पितामह के सामने जाने से रोकना चाहिए। पितामह और अर्जुन का युद्ध होने से पहले चारों पांडवों का वध होना अति आवश्यक है। इसलिए जाइए, जाकर अर्जुन के मार्ग में बाधा बन जाइए। जाइए। अच्छी बात है भांजे, चलो। जो आगे बढ़ना श्री, चलो। चलो सारथी। Thank you.
पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की जो प्रतिज्ञा की है उसके कारण पांडव उनके विरुद्ध कोई छल न करे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप दोनों पितामह की रक्षा करें। पितामह अकेले ही पृथ्वी को निष्पांडव कर सकते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं आचार्य कि पितामह को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें अपनी ओर से उनकी सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। शत्रु आखिर शत्रु होता है आचार्य, ये हमें सदैव याद रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं युवराज, हम आपकी रणनीति का अवश्य पालन करेंगे। चलो सारथी, चलो सारथी। पार्थ, दुर्योधन की चाल को समझो, ये तीनों तुम्हें पितामह की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आए हैं। जानता हूं केशव, यदि मैं इन तीनों से युद्ध करने में उलझ गया तो पितामह को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार संहार करने का अवसर मिल जाएगा, इसलिए तुम इन्हें टालकर मेरा रथ पितामह के सामने ले चलो। ठीक है पार्थ। अर्जुन, भाग रहे हो? अरे काल रण छोड़कर भाग रही था तो रण में आए ही क्यों थे? मेरा रथ रोको वासुदेव, हे केशव रथ रोको। प्रतिज्ञा के पालन करने का समय आ गया है। भीम स्वयं आपके सामने आया है, उसे बचकर निकल जाने का अवसर मत दीजिए। हे प्रभु, फिर डाल दिया ना धर्म संकट में, और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे प्रभु। ये तो है ही बुद्धि का शत्रु, कि जानते हुए कि मैंने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा की है ये मुझसे युद्ध करने आ गया। समझ में नहीं आता मेरा वध करने के लिए अर्जुन को पहले ही क्यों नहीं भेजा। सावधान दामा। प्रभु अब आप ही भीम की रक्षा कीजिए। पितामह, अपनी प्रतिज्ञा को याद कीजिए, वध कर दीजिए भीम का, वध कर दीजिए। दामा, मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। अर्जुन, मैं तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हे, ये अर्जुन यहां तक कैसे आ पहुंचा? इसे पितामह के सामने क्यों आने दिया? इसे रोका क्यों नहीं? हे
निमंत्रण स्वीकार कीजिए पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। अर्जुन के रथ पर शिखंडी, 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 शिखंडी। ये कौन सी चाल चली है इन पांडवों ने? संजय, क्या पितामह ने शिखंडी के निमंत्रण को स्वीकार किया? नहीं महाराज, पितामह तो युद्ध करते करते रुक गए हैं। सामने एक स्त्री को देखकर पितामह का धनुष बाण झुक गया है। पितामह, मुझसे युद्ध कीजिए। पितामह, आप रुक क्यों गए? धनुष पर बाण चलाकर नीचे क्यों कर लिया? दुर्योधन, मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं शिखंडनी से युद्ध नहीं कर सकता। वो मेरे और अर्जुन के बीच अर्जुन की ढाल बनकर खड़ी हो गई है, तो मैं अर्जुन पर कैसे वार चलाऊं? परंतु शिखंडी एक स्त्री ही है, क्योंकि शिखंडनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया है, वो बाप में पुरुष बनी है, इसीलिए मैं शिखंडी पर वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पितामह, ये पांडवों की चाल है और इस चाल में फंसकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेंगे। यदि पितामह आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आप मुझ पर वार करना नहीं चाहते, परंतु मैं आप पर अवश्य वार करूंगा। पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते हैं तो क्या, परंतु हम तो उसे एक पुरुष मानते हैं, हम तो उस पर वार कर सकते हैं। चलो सभी मिलकर शिखंडी का वध कर दो, नहीं तो पितामह का वध हो जाएगा। पितामह का वध। शिखंडी की रक्षा करो, कौरवों के आक्रमण से शिखंडी को बचाओ। अर्जुन की सहायता के लिए उन्हें युद्ध में उलझाए रखो। शिखंडी को मारो, शिखंडी का वध करो। शिखंडी की रक्षा करो। पार्थ, यही उचित अवसर है पितामह का वध करने का। यदि तुमने यह अवसर भी गंवा दिया तो समझ लो पांडवों का वध निश्चित है, क्योंकि विवश होकर पितामह अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेंगे। शिखंडी का वध करो, शिखंडी की रक्षा करो। सोच क्या रहे हो पार्थ? जिस प्रकार पितामह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम भी अपने धर्म का पालन करो। चलाओ पितामह पर बाण, पितामह पर बाण चलाओ, पितामह पर बाण चलाओ। परंतु माधव, पितामह ने अपना धनुष नीचे कर दिया है, फिर एक निशस्त्र योद्धा पर मैं वार कैसे कर सकता हूं? नहीं पार्थ,
ठीक से देखो, पितामह निशस्त्र नहीं है, उन्होंने जानबूझकर धनुष अपने हाथ में रखा है ताकि तुम्हें संकोच न हो कि एक निशस्त्र योद्धा पर तुम वार कैसे करोगे, और तुम फिर भी संकोच कर रहे हो। परंतु शिखंडी बाण छोड़ तो रहा है पितामह पर, वही करेगा पितामह का वध। पार्थ, शिखंडी के बाणों में इतनी भी शक्ति नहीं कि पितामह का कवच ही तोड़ सके। शिखंडी के बाण तो पितामह को घायल तक नहीं कर पा रहे हैं, उनका वध करना तो दूर की बात रही, परंतु तुम समय गंवा रहे हो। यदि इस समय तुमने पितामह का वध नहीं किया तो तुम्हारे चारों भाइयों की मृत्यु तुम्हारे सर पर होगी। दोनों में से एक बात चुन लो, या तो पितामह का वध करो या तो अपने चारों भाइयों को मौत के मुंह में ढकेल दो। चारों भाइयों की मौत? हां पार्थ, उनके लिए तो पितामह का एक एक बाण ही काफी है। तो फिर पार्थ, यदि अपने भाइयों को बचाना चाहते हो तो उठाओ अपना धनुष, पितामह तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो युद्ध कर रहे हो वो सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह युवराज वाह, बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया और अब धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हो। यदि आपके लिए शकुनी मामा पांसे फेंक सकते हैं तो अर्जुन के लिए शिखंडी भी कवच बन सकता है। इसमें कोई अधर्म नहीं, अर्जुन धर्म युद्ध ही कर रहा है। रुक क्यों गए पार्थ, चलाओ बाण। अर्जुन आक्रमण की गति बढ़ाओ। चलाओ बाण। भगवान श्री कृष्ण, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध से अपनी चित्तवृत्ति हटा रहा हूं।
पार्थ चलाओ बाण। अर्जुन के बाणों से पितामह का शरीर छलनी छलनी हो गया है महाराज, किसी भी क्षण पितामह का पतन हो जाएगा। उनकी अवस्था अच्छी नहीं है महाराज। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? मेरे वीर पुत्रों, तुम सबका स्वागत है। मेरे पुत्रों, धरती पर खींची हुई एक लकीर ने एक परिवार के भाई भाई को अलग अलग कर दिया था, परंतु आज तुम कौरवों पांडवों को एक साथ यूं खड़े देखकर मुझे खुशी हो रही है। धनंजय। आज्ञा पितामह। जिस प्रकार तुमने अपने दादा के लिए शैया का प्रबंध कर दिया, उसी प्रकार तकिए का प्रबंध नहीं करोगे? जो आज्ञा पितामह।
ये गंगा पुत्र अपनी गंगा माता से मिलने के लिए उनके चरणों तक तो स्वयं नहीं जा सकता। क्या उनके दर्शनों की प्यास नहीं बुझाओगे? जो आज्ञा पितामह। पितामह, आपके आदेश का पालन प्रभु की आज्ञा से करने जा रहा हूं। विष्णुपाद प्रसुतासी वैष्णवी नाम धारिणीम पाहि माम सर्वतां गंगा त्रिपथ गामिनी। दशा में मैं तुम्हें आशीर्वाद भी क्या दूं? माते, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है। बस इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? आपके दर्शन पाकर मन आत्मा सब तृप्त हो गए। संसार में जब पहली बार मैंने आंखें खोली तब आपने अपने दूध की जीवन अमृत बनाकर मेरे मुंह में टपकाया था। धन्यवाद माते। पुत्र, जब तक तुम अपनी इच्छा से पृथ्वी लोक पर हो मेरा जल तुम्हारी तृष्णा मिटाता रहेगा और घटा बनकर तुम्हारी शैया पर छाया करता रहेगा। माते, मन तो करता है कि मैं भी आपके साथ इस संसार को छोड़कर चलूं, पर नहीं, अभी मुझे इस धरती के कुछ कर्तव्य निभाने हैं। जब तक तुम इस प्रकार व्याकुल और दुखी हो तब तक मेरा मन भी तुम्हारे लिए व्याकुल रहेगा। माता, माता, मेरी व्याकुलता तो तभी समाप्त होगी जब मेरी अस्थियां आपके शीतल जल में प्रवाहित की जाएंगी। पुत्र, यहां तो साक्षात प्रभु तुम्हारे सन्मुख हैं, इनके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। प्रभु, मेरी इस बालक की रक्षा कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। तथास्तु। Thank you.
द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। पितामह के बाद गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। बड़े भैया, मेरी दृष्टि में ये चिंता का विषय है भी और नहीं भी है, फिर भी मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि गुरु द्रोण अलग अलग प्रकार के व्यूह की रचना में विशेष दक्षता रखते हैं। उनका बनाया गया व्यूह मकड़ी के जाल की भांति होता है, जिसमें योद्धा पतंगे की तरह फंसकर फड़फड़ाकर दम तोड़ देता है। व्यूह का उत्तर प्रतिव्यूह की रचना करके दिया जाता है। जैसे यदि शत्रु ने गरुड़ व्यूह की रचना की तो उसका उत्तर हमें अर्धचंद्र व्यूह की रचना करके देना चाहिए, और यदि शत्रु मकर व्यूह की रचना करे तो हमें शेन व्यूह या क्रोंश व्यूह की रचना करनी चाहिए। परंतु ये व्यूह प्रतिव्यूह जैसी गूढ़ बातें अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यूह रचना की यह गूढ़ शिक्षा मैंने अपने मामा श्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे, इतने वर्षों के बाद तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? ये शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माता श्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी, और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थी। पिताश्री युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। मित्र, मुझे तुम्हारे इन अस्त्रों और शस्त्रों से अधिक तुम्हारी मित्रता पर विश्वास है, तुम्हारी मित्रता पर। जब तुमने मेरी मित्रता पर विश्वास किया है तो मैं भी इस विश्वास की लाज रखूंगा, और यदि आवश्यकता हुई तो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। नहीं मित्रगण, नहीं, ऐसी अशुभ बात फिर कभी अपने मुंह से मत निकालना। भांजे, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना तो दूर, सोचने तक की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंगराज के तन पर यह दिव्य कवच है और कानों में दिव्य कुंडल है, अर्जुन देवेंद्र के दिए हुए अस्त्रों से तो क्या, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया? मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। हे
है कोई? भिक्षांग देही, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। आपको जो भी मांगना है केवल इसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का यह स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओ, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हाँ, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा। Oh!
दानवीर, तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? क्षमा करना देवराज, क्षमा करना। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलाए तो उसका उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हे देवेंद्र, मैं अपना हाथ फैलाकर दान धर्म के विधान का अपमान नहीं कर सकता। वाह कर्ण, वाह! तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह वाह आचार्य जी, वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोद व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। संजय, युद्ध आरंभ हुआ। रुको सारथी, प्रगति धीपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आज मैं तुम्हारा वध करके अपने मित्र दुर्योधन को तुम्हारी लाश भेंट करना चाहता हूं। संजय, द्रोणाचार्य के फेंके हुए जाल में क्या अर्जुन फंस जाएगा? यदि सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। केशव, मैंने सुशर्मा के आह्वान को स्वीकार किया है। उसने मेरे शूरवीरता को ललकारा है। मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा।
तुम मेरा रथ उसके पास ले चलो। दक्षिण की ओर? हाँ केशव। परंतु अर्जुन, हम मुख्य रणभूमि से दूर हो जाएंगे और पता नहीं कब महाराज युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। सुशर्मा का वध करने में समय ही कितना लगेगा। ये सब क्या हो रहा है? कौरव सेना गरुड़ व्यूह तोड़ रही है? कौरव सेना चक्रव्यूह बना रही है? चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। मारे जाएंगे पांडव, मारे जाएंगे। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह नहीं कौरव सेना का अजगर है, जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगाकर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए। ये चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। कुटिल योजना? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह असंभव है। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री। भैताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेजने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं। तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं। कह दिया ना कि नहीं हो सकता। यदि मैं चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं करूंगा तो फिर उस समय आप पिताश्री को क्या उत्तर देंगे जब पांडव सेना के योद्धाओं की लाशों से युद्ध भूमि ढकी होगी और उसमें मेरी भी लाश होगी? अभिमन्यु, भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है, मरना है तो मार कर मरेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस पड़ूंगा। हम अभिमन्यु के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि तुम सबका यही विचार है तो ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अभिमन्यु, तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊश्री।
चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? आकाशवी, यह व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है, जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। युद्ध करना उचित नहीं है। अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। है, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। वाह वाह पुत्र वाह, मुझे तुम्हारे इस साहस पर गर्व है। जाओ मुझे ही भव। जो आज्ञा पिताजी। चलो साथी। अभिमन्यु को रोकने के लिए आपका पोता युवराज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने जा रहा है। लक्ष्मण, राम उसकी रक्षा करे। रुक जाओ अभिमन्यु, इन बेचारे निर्बल सैनिकों पर क्या बाण चला रहे हो? हिम्मत है तो
तो किसी बलवान योद्धा से युद्ध करो। मैं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, आ जाओ मैदान में। लक्ष्मण तू मुझसे क्या युद्ध करेगा बालक, तेरे पिता युवराज दुर्योधन कई बार मुझसे पराजित होकर युद्धभूमि से भाग चुके हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने की भूल ना करो। अच्छा यही होगा कि अपने प्राणों को संभालो और यहां से चलते बनो। लक्ष्मण अब तुझे गुरु द्रोण भी नहीं बचा सकते, ईश्वर को याद कर ले, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूं। लक्ष्मण का वध हो गया? अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। नहीं 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 लक्ष्मण, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने तुम्हें उस विषैले सपोले के पास जाने की आज्ञा ही क्यों दी? भांजा, मेरी आन की खातिर तुमने अपने प्राण निछावर कर दिए। मेरे लाडले तूने वीर गति प्राप्त की है। वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम्हारे हत्यारे का सिर उसके धड़ से अलग किया जाएगा। तुम्हारा यह प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए, अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। अभिमन्यु, मुझे अभिमन्यु का सिर चाहिए।
चाहिए। आज अभी इसी समय चाहिए। कुचल डालो, कुचल डालो उस कपूले के फन को, कुचल डालो। मैं अपने लाडले पुत्र लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। लक्ष्मण की हत्या का प्रतिशोध। चलो मेरे साथ, चलो सारथी। चलो सारथी। सारथी रथ आगे ले चलो। चलो सारथी। चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। यदि हम अभिमन्यु की सहायता और रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। यदि हम अभिमन्यु की सहायता और रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा भीम। नहीं, मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगा। छोटे पुत्र दुशासन ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया है। बालक भागने की बजाय
अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर कौरव महारथियों से मुकाबला करने चला है। युवराज के आदेश अनुसार कौरव वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु मेरा गांडीव भी बार बार मेरे हाथों से छूट रहा है। कहीं भ्राता श्री धर्मराज तो संकट में नहीं आ गए? हे पार्थ, धैर्य से काम लो, अपने आप को संभालो। जो होना है सो तो होकर रहेगा, परंतु मनुष्य को कामना सदा ही अच्छे की करनी चाहिए। अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अर्जुन <It's one>
भ्राता भीम, यह शंखध्वनि कौरवों की विजय गाथा सुना रही है। अनर्थ हो गया भीम, अनर्थ हो गया। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। महाभारत महासंग्राम।